नमस्कार, मो चैनल रे आपण मानक स्वागत। आज आम बनैवा बैगन पकोड़ा। आसतु बैगन पकोड़ा बनवा आरंभ कर। बैगन पकोड़ा ये सब जिनस दरकार। प्रथम आम दरकार बैगन। मुझे छोट साइज बैगन पांचटा नहीं 3/4 को बेसन नहीं, गोटे पिंच बेकिंग पाउडर, लंका पाउडर गोटे चमच, जीरा पाउडर अधा चमच, आमचूर पाउडर अधा चमच, धनिया पाउडर अधा चमच, हलदी, लुण। मुझे बैगन को धोईक पोछिक रखी आम चार पीस करदे। भितर पोक अच्छी ना आम चेक कर नवा। एमती भाव सब बैगन आम काट नवा। एबे आम बेसन रे गोटे पेस्ट तैयारी करवा। मुझे गोटे बाउल रे बेसन पकईदी से टिके हलदी पकईवा, लंका पाउडर अधा चमच पकईवा, लुण अधा चमच पकईवा, ताको भल भाव रे मिसेद। एबे से अल्प अल्प पानी पके कि गोटे पेस्ट तैयारी करिवा। बेसी पतला करियानि कि बेसी थिक करियानि, मीडियम पेस्ट तैयारी करिवा। एमती हे अल्प अल्प पानी पके ता गोलो थिवा। ये देखो एमती पेस्ट हवा दरकार। मु गोटे कप पा नहीं से 3/4 कप पा लगे आउ पा बची जाए। बैगन को फ्राए कर गैस पर गोटे कढ़ाई तेल रखिदी तेल गरम हो बैगन से पकईद। मझेरे मझेरे ओल्ड थोड़ा जमी सबु पाख भल भाव सीझीज। बैगन फ्राए हो गला गोटे प्लेट को बाहर कर नवा। एबे आमे गोटे बर्तन रे आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लंका पाउडर, अल्प हलदी पकईवा, से अधा चमच लुण पकईवा, ताको भल भाव मिसेद। से मिश्रण को आम बैगन भितर भरीद। सबु बैगन मिश्रण को भरीद। मसला भरी सारापर से बैगन जो ऊपर गोटे खंड उठे ताको आम एम बैगन ऊपर रखिद। एबे आम से बेसन पेस्ट रे बेकिंग पाउडर पकईद, ताको भल भाव मिसेद। ये भल भाव मिसीगला। बैगन पकोड़ा बनवा गोटे बैगन को से बेसन पेस्ट रे पकईद। ता ऊपर तले बेसन एम लगेद।
ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ରଖିଦେଇଥିଲି, ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ବାଇଗଣକୁ ସେ ବେସନ ପେଷ୍ଟରେ ଏମିତି ଭାବେ ବୁଡ଼େଇକି ତାକୁ ତେଲରେ ଛାଡ଼ିବା। ଏମିତି ଭାବେ ସବୁ ବାଇଗଣକୁ ବେସନରେ ବୁଡ଼େଇକି ତାକୁ ତେଲରେ ଛାଡ଼ିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାଇଗଣ ମୁଁ ତେଲରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଫ୍ଲେମ୍ ସ୍ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ବାଇଗଣର ଗୋଟେ ଭାଗ ଟିକିଏ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ବାଇଗଣକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ଓଲଟଉଥିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରୁ ବାହାର କରିନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ପକୋଡ଼ା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ସର୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଏମିତି ବାଇଗଣ ପକୋଡ଼ା ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ସ୍ନାକ୍ସରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।